हेलो, दिस इज डॉक्टर दीपक गौतम, होम्योपैथी कंसल्टेंट एट वी क्लिनिक कानपुर। आइए अब हम चलते हैं हमारे वी क्लिनिक होम्योपैथी से ठीक हुए पेशेंट का फीडबैक वीडियो लेते हैं और आपसे उनका वीडियो शेयर करते हैं। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, संदीप जी बात कर रहे हैं? जी सर। जी, मैं वी क्लिनिक से डॉक्टर दीपक बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? स्टार्टिंग में हमने मेडिसिन ली थी, हल्का रिलीफ भी मिला था, लेकिन कुछ कारणवश हम कहीं बाहर चले गए थे, इसकी वजह से हम प्रॉपर ले नहीं पाए। तो करीब करीब एक महीने बंद था। जब दोबारा से आए तो दोबारा फिर हमने एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, हाँ डिस्टर्ब हो गए थे इसकी वजह से, तो फिर अभी फिर से दिक्कत होने लग गई है। हमने दोबारा से फिर संपर्क किए तो वही है सर, मतलब कि जो पहले थी दिक्कत वही है, और थोड़ा सा ये है कि जैसे सिर भारी भारी पीछे साइड में रहता है, और वही जैसे कि चीटी रेपटी है ना, उस टाइप महसूस होता है, और चक्कर भी आता है। अच्छा। और गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन इधर उधर करते हैं तो दर्द होता है। अच्छा अच्छा, मतलब पीछे साइड में ही दिक्कत रहता है ज्यादा। ठीक है, अभी जो भी दिक्कत है आपकी अभी बनी हुई है? जी जी, दिक्कत स्टार्ट हो गई थी तो कम हो गई थी, दवा भी ले रहे थे ना तो कम थी। अच्छा, ले और दवा स्टार्ट करने के बाद कितना आराम हो गया था आपको? अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि काफी आराम हो गया है, 70-80% तक आराम हो गया है, लेकिन वो अब पता नहीं क्यों फिर बाद में ज्यादा दिक्कत होने लगी, इसकी वजह से हमने बंद कर दिया था कि हो सकता है शायद दवा का कोई साइड इफेक्ट है या दवा से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से समझ नहीं पाए चीज को। अच्छा, तो अभी आपने दवा बिल्कुल स्टॉप कर दी है? हाँ, दवा बिल्कुल स्टॉप कर दी है। ठीक है, देखिए संदीप जी, इसको कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है? और जैसे आपने बताया है कि आराम जब दिखा था, है ना, तो हम ये चाहते हैं कि पूरी तरह से जब आप क्योर हो जाएं, ना, गर्दन में कोई स्टिफनेस ना रहे, कोई दर्द ना रहे, कोई चक्कर ना होए, है ना, तो जब इसमें पूरी तरह से आराम मिल जाए, है ना, तब आप इसको छोड़िए। अभी अभी जो है पूरी तरह से इसका कोर्स कर लीजिए आप कंप्लीट, ठीक है? कोर्स कितना है सर इसका? देखिए, आपको जो दवा गई थी वो आई थिंक 2 महीने की गई थी, है ना? हाँ, 2 महीने में आपको काफी रिलीफ दिखा था। तो आपको 1 महीने और ले लेना चाहिए था, ठीक? तो एक ले लेना चाहिए था, ताकि इसमें जो है पूरी तरह से जो दिक्कत आई है या बन रही है वो ठीक हो जाए, ठीक है? तो आप हाँ हमारी क्लिनिक से कांटेक्ट कर लीजिए, स्टाफ से, है ना, हाँ वो आपको क्लियर करेंगे, और जो आगे की समस्या भी बची हुई है वो हम चाहते हैं पूरी तरह से सही हो जाए, समझ गए? ठीक है सर, ठीक है। सर ऐसा नहीं, नहीं अभी ऐसा, देखिए आपको जो प्रॉब्लम है वो 3 महीने की है ना, और जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं वो सर्वाइकल के हैं, ठीक? हाँ, तो ऐसे केसेस में क्योर हो जाता है। सर्वाइकल में चक्कर भी आता है? जी जी आता है, चक्कर आता है, सिर में दर्द रहता है, ठीक है? हाँ, पीछे साइड में होता है। हाँ हाँ, स्टिफनेस जैसे रहेगी तो उसी की वजह से चक्कर वगैरह रहेगा, है ना, सिर में दर्द होगा। उठ के बैठते हैं, जैसे उठ के बैठे अचानक से तो पूरा घूम टाइप हो जाता है। हाँ, आप तो क्या करिए, आप जो है हम यहाँ पर फोन करके हमारे स्टाफ से, ठीक है, अपॉइंटमेंट लगवा दीजिए, ठीक है? तो उस हिसाब से आप, हाँ, आपको डील किया जाएगा, ठीक है? और जो भी अभी दिक्कत आ रही है वो भी जो है इस प्रिस्क्रिप्शन से जो भी डिसाइड होगा, दवा वगैरह ट्रीटमेंट चालू करेंगे और फिर से आपका पूरी तरह से ठीक होगा, है ना? ओके।